हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। तो आज का क्लास होगा हमारा मेंस के पजल का होगा। ये हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस पजल एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। मेंस क्लास का आज पार्ट 15 है। अगर आपको ये देखो आज का सवाल है, अगर कोई लोग जल्दी में हो तो ये लो सवाल और बना करके ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना तो यूट्यूब पर सर्च करोगे कॉन्टेंट क्लासेस, तो यहाँ आपको सारी हमारी आ जाएगा प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेंट क्लासेस पे आना, प्लेलिस्ट पे आना, यहाँ फ्री पजल का कोर्स चल रहा है। उसके अलावा आज का जो लेक्चर है वो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, इस प्लेलिस्ट में मेंस में रीजनिंग मेंस पजल एंड मिसलेनियस, ठीक है। लेक्चर 15 हो जाएगा। टून सीरीज नहीं देखा है तो देखना, स्ट्रेस बस्टर अच्छा सीरीज है, स्ट्रेस बस्टर। तो चलो आज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग, कि ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ नजर आ जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या बोल क्या रहा है हमारे सामने क्वेश्चन? अच्छा कुछ जगह चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देख लिया जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, ये दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 पर्सन हु ट्रेवल्स टू ऑफिस एवरी डे बाई अ पार्टिकुलर ट्रेन विच स्टॉप्स एट 5 स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली आफ्टर लिविंग इट्स बेस स्टेशन। तो 7 पर्सन है जो कि ट्रेवल करते हैं ऑफिस एक पार्टिकुलर ट्रेन से जो कि 5 स्टेशन पर स्टॉप करती है, ठीक है। बेस स्टेशन छोड़ने के बाद एक ट्रेन होगी ना कि जहां से ट्रेन खुलेगी, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है। 3 अमंग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो हमारा ये बनेगा कैसे? ये हमारा इस तरीके से बनेगा कि एक हमारा बेस स्टेशन हो जाएगा, उसके बाद एक हमारा ये बेस स्टेशन हो गया, अब स्टॉपेज नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा, ओके। नाउ 3 अमंग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो यहां पे कुछ 3 लोग हैं जो कि बेस स्टेशन पर चढ़ेंगे, तो जो लोग बोर्ड करेंगे ना उनको ऑन लिख देते हैं और जो लोग उतरेंगे उनको ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ऑन और यहां पे ऑफ। अब हमें और आगे क्या बोल रहा है? 3 अमंग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो 3 लोग होंगे जो कि बेस स्टेशन में चढ़ेंगे। डी गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन, ठीक है। तो एफ के बाद डी जा आपको उतरता है, मतलब इमीडिएटली डी के बाद, एफ के बाद डी उतरेगा। और यहां पे मैंने ऑफ लिख दिया कि ये उतरने वाले साइड की हिंट है, ठीक है, इस साइड की हिंट है। बी डज नॉट गेट डाउन आइदर विथ ए और एफ। बी जो है वो ए एंड एफ के साथ उतरता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस करके यहां पे ऑफ लिख दिया। किस लिए ऑफ लिखा? कि ये ऑफ साइड की हिंट है, हमें पता चले। जी एलोन गेट्स ऑन द स्टेशन एट 3 एंड गेट्स डाउन विथ सी आफ्टर पासिंग 1 स्टेशन। तो जी यहां पे थर्ड पे अलोन है, मतलब और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा, ठीक है, और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा। और यहां पे ये क्या बोला? जी अलोन गेट्स एट स्टेशन 3 एंड गेट डाउन विथ सी आफ्टर हैविंग पास 1 स्टेशन। तो एक स्टेशन पास करने के बाद 5वें पे जी और सी जो है ये उतर जाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? ए गेट्स ऑन स्टेशन 4 एंड गेट डाउन स्टेशन 5। ए यहां पे चढ़ा और यहां पर उतर गया, ठीक है। नन ऑफ देम गेट्स ऑन स्टेशन 2। स्टेशन 2 पर कोई भी आदमी चढ़ता नहीं है, तो इसको क्रॉस कर लिया मैंने। सी गेट्स ऑन विथ एफ बट डज नॉट गेट ऑन विथ आइदर बी और डी। सी जो है एफ के साथ चढ़ता है, ऑन लिख दिया यहां पे, बट ऑफ नहीं होता है किसके किसके साथ? ई और डी के साथ ये ऑफ नहीं होता है, मतलब उतरता नहीं है, ठीक है, डीबोर्ड नहीं करता है। ई गेट्स ऑन विथ 2 अदर्स एंड गेट डाउन अलोन विथ डी। ई गेट्स ऑन विथ 2 अदर्स, तो यहां पे ध्यान देना, ई गेट्स ऑन विथ 2 अदर्स मतलब ई जो है 2 अदर्स के साथ चढ़ता है, मतलब एक ही जगह हमारा ऐसा है बेस स्टेशन जहां पे 3 लोग चढ़ रहे हैं, मतलब ई जो है हमारा
बेस स्टेशन पर चढ़ा है एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर डी, डी के बाद ए अलोन उतरता है, ठीक है, ई ई सॉरी ई है, ई गेट्स ऑन विद टू अदर्स एंड गेट डाउन अलोन आफ्टर डी, तो डी के बाद ई अलोन उतरता है, ठीक है। बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस, दे गेट डाउन एट स्टेशन 3, तो बी डी हमारा यहां स्टेशन 3 पे आपको उतर जाता है, ठीक है। नन ऑफ देम गेट डाउन एट स्टेशन 1, स्टेशन नंबर 1 पर कोई भी उतरता नहीं है, तो एक काम करते हैं ना कि ऑन ऑफ पे एक लकीर खींच देते हैं, ये लोग ऑन है ये लोग ऑफ है। अब हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं बताइए, अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, चलो ब्लैक कलर ले लेते। देखो अब हम लोग कौन सी हिंट आ सकती है यहाँ पे, देखो सी और एफ एक साथ बोर्ड किया है, बी और डी यहाँ उतरा है, अब देखो एक हिंट हमारे पास है कि एफ के बाद डी उतरा है इमीडिएटली, मतलब एफ यहाँ आने वाला है, सही है ना, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बोला था कि एफ के बाद डी होगा, डी के बाद ई जो है अलोन उतरेगा, है ना, ई जो है अलोन उतरेगा, तो एफ के बाद डी हो चुका है मतलब ई यहाँ पे अलोन उतरेगा और कोई भी नहीं आएगा ई के साथ, ठीक है। अब यहां तक हम लोग सारी चीजों को पुट कर दिया। अब हमें पता था कि आपको सी जो है एफ के साथ बोर्ड कर रहा है और ये ई और डी के साथ ऑफ नहीं होता है, सी सी मतलब यहां पे भी ऑफ नहीं होगा और एफ तो मेरे यहां है, तो मतलब ये जो हिंट है ई और डी, ई जो ऑफ मेरा यहां हो रहा है, तो ये हमारा पहले ही सेटिस्फाई हिंट है, मतलब हमें किस पे जोर देना है, इस पर जोर देना है कि सी और एफ एक साथ बोल्ड कर रहे हैं, और हमारा कौन बच रहा है, बी और डी भी यहां, देखो देखो यहां बी और डी हमारा उतर रहा है तो कहीं तो चढ़ा होगा। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं, या तो यहां पे तो कोई ऑफ नहीं होगा बेस स्टेशन पर, अब हमारा एक केस ये बनता है कि या तो बी और डी यहां आ जाए और सी एफ यहां आ जाए, ठीक है, या फिर एक केस हमारा ये भी बनता है कि बी और डी यहां आ जाए और सी और एफ यहां आ जाए, एक केस हमारा ये भी बनता है, ठीक है। तो हमारा यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये पजल आपको मेंस में ही आएगी, प्रीलिम्स में नहीं आएगी, और ये एक डुएबल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, आप देखिएगा अपने से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, हम बना देते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत आसान पजल है, लेकिन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, लैंग्वेज के साथ खेला गया है इस पजल में आपके साथ और कुछ नहीं किया गया। देखो हमारा अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या था, एट विच स्टेशन ई गेट्स डाउन, ई जो है किस स्टेशन पर उतरता है, अब देखो ई कहाँ उतरता है स्टेशन नंबर 4 पर, क्या आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशन नंबर 4। एट विच स्टेशन सी एंड एफ गेट ऑन, ठीक है, सी और एफ जो है किस स्टेशन पर चढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो सी और एफ जो है, सी और एफ जो है या तो वन पे या तो बेस स्टेशन पे आएगा या फिर वन पे आएगा, अब यहां पे हमारा वन है टू है फोर है और नन ऑफ दीज है, तो हमारा नन ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये है हमारा सी एंड डी, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो जहां पे अगर सी एन डी आ रहा है आंसर और नहीं है तो नन ऑफ दिस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एट विच स्टेशन बी एन डी गेट्स ऑन, तो यहाँ पे देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन ई गेट्स डाउन, ई कितने स्टेशन के बाद उतरता है, ई जो है कितने स्टेशन के बाद उतरता है, देखो ई जो है वन टू थ्री, थ्री स्टेशन के बाद उतरता है, तो हमारा थ्री आंसर हो जाएगा। एट विच स्टेशन मैक्सिमम पीपल गेट डाउन, मैक्सिमम पीपल जो है किस स्टेशन पर उतरते हैं, तो ए जी सी तीन लोग यहां उतर रहे हैं पांचवें स्टेशन पर, तो पांच आ जाएगा हमारा इसका सही जवाब, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार बनाने का अपने से ट्राई किया कि नहीं किया आप, ओके। और अगर आप लोग फ्री पजल कोर्स नहीं देख रहे हो
फ्री पजल कोर्स जो हमारा चल रहा है, तो उस फ्री पजल कोर्स को जरूर देखो। अभी लेक्चर 15 हमारा हो गया है अपलोड, और भी लेक्चर होगा, और देखना किसी भी पेड कोर्स से ये कम नहीं है। ये वाला कोर्स हमारा आप जरूर जाकर के देखिए, ये हमारा कोर्स फ्री पजल कोर्स फॉर SBI एंड IBPS PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस, ठीक है, इसको जाके देखो। अभी SBI PO पे कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे हम लोग, अभी बहुत अच्छे लेवल के आपको पजल हमने कराए हैं, बैकएंड पजल भी कराए हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए व्यूज से हमको मतलब नहीं है, हमको बस एक क्वालिटी देना, आपको अच्छा लगेगा। 61 व्यूज है, 76 व्यूज है, 49 है, 107 है, तब भी तो हम वीडियो अपलोड करते ही चले जा रहे हैं ना, हम नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हमें व्यूज पे अभी ध्यान नहीं, हमें क्वालिटी कॉन्टेंट देना है आपको। हम कुछ भी इजी आपको बना देंगे ना, कुछ भी इजी आपको इनइक्वालिटी पढ़ा देंगे, तो काफी स्टूडेंट्स देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जहां कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, या तो वो हार मान जाएंगे, और जो हार मान जाएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग ये देखिए ना, वैकेंट पर्सन का पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन को बना के देखिए खुद से। SBI PO का प्रीलिम्स का पजल है, इसको खुद से बना करके देखिए, आपको लेवल अच्छा लगेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगेगा मत सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी तो बात है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।